गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास नाइन्थ के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम चलते हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श खंड में, जहां पर स्पर्श के दो भाग काव्य खंड और गद्य खंड में से काव्य खंड पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए स्पर्श के काव्य खंड पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पाठ तीन सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा चल रही है। पिछले दिनों हमने अभ्यास कार्य पे चर्चा किया एक फूल की चाह पे, जिसमें सियाराम शरण गुप्त जी ने प्रश्न नंबर दो के ग में बताया कि उसकी पुत्री बीमारी की अवस्था में निश्चित और शांत हो गई, जिस कारण से पिता का हृदय बैठ गया, उसके दुख की कोई सीमा न रही। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर दो के ग में अगली काव्यांश में। ग तक हो गया था, हम घ में चलते हैं प्रश्न नंबर दो के घ। घ काव्यांश पे, काव्यांश है पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने, काव्यांश है पापी ने मंदिर में घुसकर किया, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। बड़ा भारी। आइए आशय में चलते हैं। आशय में यह पंक्ति उस समय की है जब सुखिया का पिता अपनी पुत्री के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक पुष्प की चाह के लिए मंदिर में पहुँचता है और पुष्प फल आदि को अर्पित करके वह प्रसाद के रूप में एकमात्र माँ दुर्गा के प्रसाद रूपी फूल को प्राप्त करना चाहता है। तभी फल फूल मालाएं पुष्प को जब वह मंदिर के रखवाले पुजारी आदि को देता है, पुजारी पुष्प फल आदि को लेकर माँ दुर्गा के चरण में समर्पित करता है। समर्पित करने के बाद जब वह वापस फल फूल पुष्प आदि प्रसाद के रूप में सुखिया के पिता के हाथों में लौटाता है, तब सुखिया के पिता के हृदय में खुशी और प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसे केवल यह प्रसन्नता हो रही थी कि अब मैं माता के चढ़ाए गए पुष्प को प्राप्त कर लूंगा और यह मैं अपनी पुत्री को ले जाकर के दूंगा, जिससे मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी। उसके
इस इच्छा को मैं पूर्ण कर लूंगा। इस प्रकार उसके हृदय में असीमित प्रसन्नता हो रही थी, जिस कारण सुखिया के पिता को जब पुजारी ने हाथों में प्रसाद को लौटाया तो वह फल आदि को भूलकर केवल पुष्प को प्राप्त करके असीम आनंद में खोया हुआ सब कुछ लेने को भूल गया और केवल एकमात्र पुष्प को ही लेकर आगे बढ़ने के लिए तुरंत ही घर लौटने के लिए वह तैयार हुआ। तभी मंदिर के किसी पुजारी ने यह बात महसूस कर ली कि यह सुखिया का जो पिता है वह अछूत जाति वाला है, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी अछूत को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार न था, किंतु आज सुखिया के पिता ने शायद छल पूर्वक मंदिर के इस नियम को तोड़ दिया है, मंदिर के इस गरिमा को समाप्त कर दिया है। शायद आज सुखिया के पिता के द्वारा निश्चय ही निंदनीय कर्म किया गया और इसे दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। इस प्रकार की सोच में पुजारी ने उस सुखिया के पिता को संबोधित करते हुए कहा और मनुष्यों से, ओ पकड़ो, देखो भाग न जाए, इस अछूत पापी ने माता के मंदिर को अपवित्र कर दिया। पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत ही बड़ा अनर्थ, बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है, जिस कारण मंदिर का पूरा प्रांगण अशुद्ध हो गया, माँ की महिमा कलंकित हो गई। इस प्रकार का शोर और आवाज करते हुए मंदिर के पुजारी ने चिल्लाया, इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा ही अनर्थ कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस कविता के आशय को। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया कि बताया कि समाज में तो समाज में छुआछूत जैसी समस्याएं आज व्याप्त हो गई हैं। और इसी समस्या के कारण आज भी कुछ
कुछ जगहों पर गरीब एवं निम्न जाति वर्ग के निम्न जाति वर्ग के लोगों को मंदिर आदि में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जब सुखिया के पिता पिता को यह मालूम पड़ा कि वह अछूत है, उसे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर भी अपनी पुत्री पुत्री के जीवन की रक्षा एवं आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सुखिया ने मंदिर में प्रवेश किया। किंतु समाज के जातिवाद एवं छुआछूत को बढ़ावा देने वाले समाज को जातिवाद एवं छुआछूत जैसी समस्याओं के नाम पर मानवीयता के दुश्मन पुजारियों ने उसे
पापी कहा। और उसके मंदिर में प्रवेश करने से मां की महिमा की महिमा कलंकित हो गई वर्षों से चली आ रही मंदिर की शुद्धता आज अशुद्धता में बदल गई है। आज अशुद्धता बदल गई है। इसलिए इसने बड़ा पाप किया है। जिसका इसे दंड मिलना आवश्यक है। इतना राइट करिए। इस प्रकार सुखिया के पिता को बार बार पापी और इसे मंदिर को कलंकित करने वाला कहा गया। राइट करिए इसको। सुखिया का पिता निश्चय ही अपनी पुत्री के दुख को देखकर दुखी रहा। उसने निरंतर अपने दुख की असीम कष्ट को सहते हुए निरंतर अपने आंसुओं को बहाता रहा। मजबूर होकर के सुखिया के पिता ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, किंतु उसे क्या पता थी जातिवाद और श्रेष्ठ मनुष्यों को अन्य व्यक्तियों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन, जातिवाद की भावना ने उसे इतना दूर कर देगा कि अंत समय में वह अपनी पुत्री के आखिरी दर्शन को भी न कर पाएगा। जिस बात का डर था वही हुआ। पुजारी ने क्रोधित होकर के सुखिया के पिता को पहचान कर लोगों से चिल्लाते हुए कहा, देखो पकड़ो, यह व्यक्ति कहीं भाग न जाए। यह पापी है, दुष्टात्मा है। इसने आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसने हजारों वर्षों से
चली आ रही माँ दुर्गा की प्रतिमा की शुद्धता, मंदिर की शुद्धता को इसने अपने शरीर के स्पर्श से कलंकित कर दिया है। यहाँ तक पुजारी ने कहा कि इस अपवित्र व्यक्ति के स्पर्श मात्र से माता दुर्गा भी कलंकित हो गई हैं, उनकी महिमा भी आज कलंकित हो गई। आज के पहले किसी अन्य अछूत व्यक्ति ने कभी भी इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार न रखा था, किंतु आज सुखिया के पिता के इस कर्म ने उसे समाज में कलंकित कर दिया था। समाज के वह श्रेष्ठ अनुयायी पुजारी लोगों ने बहुत विनय याचना करने के बाद भी सुखिया के पिता की एक न सुनी। सुखिया के पिता ने बताया कि मैं अपनी पुत्री के लिए एकमात्र पुष्प प्रसाद के रूप में लेने आया था, मुझे कुछ भी न चाहिए, मेरी पुत्री जन्म और मृत्यु के आखिरी पड़ाव में है, महामारी की समस्या ने मेरी पुत्री को अपनी आगोश में ले रखा है, इसलिए मैं अपनी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के लिए उसकी आखिरी इच्छा, उसके उस विश्वास की रक्षा करने आया था जिसके प्रति उसकी यह इच्छा थी, उसका यह विश्वास था कि मंदिर में चढ़ने वाले माता के पुष्प का प्रसाद अगर मिल जाए तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है, उसके जीवन में आने वाली बुराई, कष्ट या कह सकते हैं उसको जिस महामारी नामक रोग ने घेर रखा है वह उससे मुक्ति पा सकती है। उसके इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए, उसके इस श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए सुखिया के पिता ने यहाँ पर मंदिर में प्रवेश किया, किंतु इन सब बातों का पुजारी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने सुखिया के पिता की एक न सुनी और उसे बुरा भला कहते हुए लोगों के द्वारा उसे गेट से बाहर जाते जाते ही पकड़ लिया। लोग यह कहने लगे यह बड़ा ही पापी है, इसने हजारों वर्षों से माता की पवित्रता को कलंकित कर दिया है, तो निश्चय ही इसे दंड मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने सुखिया के पिता को धक्का देकर वहीं जमीन में गिरा दिया, कुछ लोगों ने सुखिया के पिता की लात घूसों से पिटाई भी की। इस प्रकार सुखिया का पिता अत्यधिक दुखी और जमीन पर पड़ा हुआ आंसुओं को बहाता हुआ अपने किस्मत को कोसता हुआ निरंतर आंसुओं को बहाता रहा। उसे इस बात का अत्यधिक दुख न था कि उसे लोगों के द्वारा पीटा गया, बल्कि दुख सुखिया को पिता को यह था कि वह पुष्प अपनी पुत्री को दे न सका। क्या करे, किस प्रकार वह अपनी पुत्री को उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति करने के लिए माता रानी का यह प्रसाद रूपी पुष्प ले जाकर उसे दे दे। इसी इच्छा के पूर्ति न होने से वह अत्यधिक दुखी और निरंतर आंसुओं को बहाता रहा। उसने महसूस किया कि निश्चय ही छुआछूत की भावना के कारण से मेरा जीवन अशुद्ध है। वास्तव में
मैं अछूत हूँ, मैं वह अभागा पिता हूँ जो अपनी पुत्री को आखिरी इच्छा में एक पुष्प भी लाकर दे न सका। इस प्रकार कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्ति की असमर्थता और उसके कष्ट तथा श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की अमानवीयता की ओर ध्यान केंद्रित किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम आगे के फिर प्रश्नों को हल करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।